सुजैन कैंडिडेट्स कैसे हो? सभी सभी बढ़िया और अच्छे हो गए। डेफिनेटली वॉइस अच्छी आ रही होगी क्योंकि मैं फ़ोन पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीसी पे कर रहा था। कल शाम को मैंने लगभग 2-2.5 घंटे दिए वीडियो सब करने पे, शूट करने पे, एडिट करने पे एंड काफ़ी कुछ, बट फाइनली वॉइस का इशू आ गया। फिर मैंने मतलब मोस्टली कैंडिडेट के कमेंट है भैया वॉइस स्लो है, तो फिर मैंने वीडियो हटा दिया। मैंने कहा चलो फिर से कर देंगे, एटलीस्ट समझ में तो आना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर से डिस्कस करते हैं। और PQRS आपके एयरफोर्स एग्जाम में एक तो पक्का आएगा, शायद कभी कभी दो भी हो जाते हैं। तो दो नंबर ये मैं आज कोशिश करता हूँ आज ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें रिवाइज करने की, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये 3 से 4 टॉपिक जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको रिवाइज कराने की फुल कोशिश करता हूँ, ओके। तो अभी इस सेशन में हम PQRS डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करके 1 से 2 पूछूंगा, अदरवाइज देखो मैं क्या कहता हूँ, आप बने रहिएगा सेशन पे। आपके जितने भी डाउट आ रहे होंगे, कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं कॉमन से, वो होंगे ना आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर। सबसे पहले इनका क्या सिंपल सा रूल होता है, इलिमिनेशन ट्रिक यहाँ पे हमें अपनानी होती है। क्योंकि अगर आप सीधा क्वेश्चन देखोगे और यहाँ से आके सेट करने लगोगे, आप कर लोगे, टाइम भाई मेरे लग जाएगा। तो आपको एलिमिनेट करना सीखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपने तुरंत देखा और लगा हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, जैसे कि बट, और, सो, हेंस, ठीक है, हेंस हो गया, और जैसे कि वेन हो गया, व्हेनेवर हो गया, जितने कंजक्शन होते हैं, ठीक है, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, सो हो गया, इफ हो गया, ठीक है, वेयर एस हो गया, और अनलेस हो गया, कभी भी इनसे आपका सेंटेंस स्टार्ट होता ही नहीं है। मैं इन्वर्जन केस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जितने मोस्टली PQRS होते हैं इनसे कभी बट से कभी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन सीधा लेकिन से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो ये चीज़ें आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं रूल्स कुछ बताऊंगा आपको बेसिक से, ठीक है। तो जितने कॉमन से जो होते हैं कंजक्शन होते हैं, नाउन प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उनमें छोटी सी नाउन से खैर ठीक है, जो आपके ये कंजक्शन होते हैं जो ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो उनसे कभी सेंटेंस आपका स्टार्ट नहीं होता। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल के लिए एंड और सो नॉट वो कुछ वर्ड लिखे हैं, ओके। तो ये वाला, तो सर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर पी जो है, पी नहीं है यहाँ पे, PQRS यस वाला ऑप्शन हटा देंगे, कोई है क्या? ऑप्शन ए बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। देखो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा मुझे नहीं कराना है, मुझे बस आपको समझा देना कि इस तरह आएगा और आप इस तरह से एग्जाम में अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर हो गया, अब हाँ हमने ये हटा दिया। उसके बाद फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। अब इससे देखो, फॉर मतलब के लिए, किसी चीज के लिए बात हो रही भाई मेरे, तो क्यू वाला भी राइट आंसर नहीं हो सकता। इस वजह से हम यहाँ पे क्यू से जो स्टार्ट हो रहा है उसे भी एलिमिनेट कर देंगे। केवल मुझे बताने में टाइम लग रहा है, अब आर वाला होगा। देखो आर दोनों पे सीधा आर से स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, ठीक है, अवसर, ठीक है, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, आर के बाद फिर पी लगा देते, कंसिडरेशन फॉर अदर्स, कंसिडरेशन फॉर अदर्स, कंसीडर आपने सुना होगा, कंसीडर लाइक थॉट, विचार, थॉटफुल टाइप विचार करना होता है, कंसिडरेशन फॉर अदर्स। उसके बाद फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और द सेटिंग असाइड ऑफ, ठीक है, ये यस नंबर है, ये यस। अच्छा ये ऑफ लास्ट में आएगा, कुछ सेंस भाई मेरे बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, ऑफ लास्ट में आएगा, होगा ही नहीं, तो इस वजह से आप ये वाला भी हटा देंगे, सी वाला, ठीक। आप चाहते तो यहीं से देख लेते कि भाई ऑफ कहाँ प्रीपोजिशन लास्ट में, किसी भी सेंटेंस में ऑफ कहाँ प्रीपोजिशन में आता है, नॉर्मल सा सेंटेंस, ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उनकी हम बात ही नहीं कर रहे अभी, खत्म। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया। ये CDS फर्स्ट 2021 के पेपर का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था, एलिमिनेट करना था और आपका राइट हो गया। हमेशा एक रूल और बताता हूँ, जैसे कोई नाम है, राम है, ही है, ठीक है, तो पहले राम है, उसके बाद आपका ही आ रहा है, तो दो सेंटेंस है, एक दो, तो ऑफ कोर्स पहले राम से ही स्टार्ट होगा ना भाई मेरे, क्योंकि राम के लिए ही तो ही आया है ना ये, क्योंकि एक नाउन होता है राम, और राम के बाद यहाँ पे ही का यूज हमने एज अ प्रोनाउन किया है, तो पहले नाउन आता है उसके बाद में ही प्रोनाउन आता है, तो इस वजह से ये सिंपल सा अपना रूल है, आपको पता होना चाहिए कि राम, रुकिएगा यार चश्मा लगा लेता हूँ, थोड़ा सा आँखों पर पैसा पड़ रहा है, प्रीसेट है, अब ठीक है, थोड़ा सा जस्ट अ मिनट, समझे, थोड़ा सा बस रिवाइज कर लो और ज़्यादा टाइम अब सेल्फ स्टडी करो बहुत अच्छा रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी एज योर चॉइस।
अपकमिंग एसएससी सीएचएसएल का जो भी एग्जाम देंगे उसमें भी बहुत पूछा आता है, तो इस वजह से हमने ये चीज़ किया। अच्छा, हमने मैंने एक रूल और बताया आपको कि नाउन प्रोनाउन का आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर में आएंगी, कि पहले आपको नाउन आता है उसके बाद ही प्रोनाउन आता है, तो सीधा प्रोनाउन से स्टार्ट करना नहीं बनता अगर नाउन वहाँ पर आ रहा है उस वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट समझ में आया, चलो सेकेंड नंबर बढ़ते हैं। ऑफ एनी काइंड, ऑफ एनी काइंड, सर एनी का मतलब जानते हो, एनी का मतलब किसी और के लिए, ठीक है। एनी, एनी एज अ निगेटिव सेंस में हम यूज करते हैं। सम और एनी का यूज आपने पढ़ा होगा, सम और एनी का यूज पढ़ा होगा, ठीक है। सम कुछ के लिए, एनी उससे ज़्यादा के लिए हो जाता है, ठीक है। और सम का यूज हम एक रिक्वेस्ट के तौर पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं, नहीं तो सम का यूज हम एज अ पॉजिटिव सेंटेंस करते हैं, एनी का यूज हम एज अ निगेटिव सेंटेंस करते हैं, ठीक है। सम का यूज कभी कभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी कर लेते हैं, बट वहाँ पर जब रिक्वेस्ट की बात होती है, ग्रामर का रूल हो जाता है, सम एंड एनी में डिफरेंस, डिटरमाइनस का टॉपिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, देखा जैसे हमने देखा कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन से ऑफ एनी काइंड, एनी काइंड मतलब और किसी के बारे में बात की जा रही है। देखो काइंड यहाँ पे प्रकार से रिलेटेड, लेकिन एक काइंड मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है हम्बल, ठीक है, दयालु, हम्बल, जेंटल, पोलाइट, ये करके इसके मॉडेस्टी से मीनिंग हो जाते हैं। फ्रीडम आप सभी जानते हो, यहाँ पे टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस। एक चीज़ देखो, पी वाला होगा नहीं, कोई ऑप्शन है क्या पी से, चलो कोई बात नहीं, नहीं है। क्यू वाला टू फ्रीडम, सर टू लगाएं, ठीक है। वैसे मैं बताऊँ, इस क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर करना था, हिंडर के बाद प्रीपोजिशन आता है टू, एच आई एन डी ई आर, हिंडर एक वर्ड दे रखा है, हिंडर के बाद प्रीपोजिशन आता है टू, ठीक है। अब देखो हिंडर के बाद टू मतलब एस के बाद क्यू आएगा, किस ऑप्शन में एस के बाद क्यू है देख लेते हैं हम, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, खत्म खत्म भाई मेरे, देखा लगाया आंसर निकल गए होंगे, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हमें आंसर करना होता है, प्रीपोजिशन का था, अगर प्रीपोजिशन इस ठीक से आते होंगे कुछ तो आप डेफिनेटली करो। अच्छा ये मीनिंग मैं बता देता हूँ, अब आर इसका बता देता हूँ, डोमिनेशन और कंपल्सन, डोमिनेशन सुनते हो गए ना, डोमिनेंट, डोमिनेशन मतलब जिसका दबदबा टाइप में चलता है, ऐसा बोल सकते हैं, डोमिनेशन और कंपल्सन, ठीक है। ऑफ एनी काइंड इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी हो जाता है, समझदार तो वो हो जाता है। हिंडर का मतलब होता है, इसका साइनोनी मैं आपको बता देता हूँ, बाधा होता है, ठीक है, बाधा, जिसे आप बोल सकते हैं ऑब्स्ट्रक्ट, ओ बी एस टी आर यू सी टी, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है, टी आई ओ एन जोड़ देंगे, ऑब्स्ट्रक्शन नाउन बन जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन नाउन बन जाएगा। एक मीनिंग और भी होता है ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल, इसका भी मतलब बाधा ही होता है। एक मीनिंग और भी होता है इम्पेडिमेंट, आई एम पी ई डी आई एम ई एन टी, इम्पेडिमेंट का मतलब भी आपका बाधा ही होता है, इम्पेडिमेंट का मतलब भी बाधा ही होता है। चलें सर आगे, चलो तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनअप पोटेशियम, इनअप, देखो इनअप वाला भी रूल आपको बता देता हूँ। इनअप के बाद क्या होता है, या तो नाउन आता है, इनअप देखो ऐसे एक सेंटेंस देता है, ही इज वाइज इनअप, मैं आपको पी क्यू आर एस तो करा रहा हूँ, थोड़ा सा ग्रामर भी करा देता हूँ रिवाइज, ठीक है। ही इज वाइज इनअप, ये सेंटेंस सही है कि गलत है, सही है। वाइज क्या है, वाइज क्या है, वाइज एक एडजेक्टिव है, क्या है भाई, एडजेक्टिव। अब वाइज तो इनअप से पहले एडजेक्टिव आता है कि नाउन आता है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखो ई एन ओ यू जी एच इनअप की स्पेलिंग है, और इनअप से बाद में नाउन आता है, एन ओ यू लिखा है, देखो एन ओ यू एन नाउन की स्पेलिंग होती है, तो इनअप के बाद नाउन आएगा, इनअप से पहले एडजेक्टिव आएगा, इनअप के बाद नाउन आएगा, इनअप से पहले एडजेक्टिव आएगा, काम खत्म, ठीक। कभी कभी एक सिंपल सा रूल नाउन और एडजेक्टिव को पहचानने की भी बता देता हूँ, आपके पेपर में ये भी आता है। देखो वाइज मैंने लिखा था, ठीक, वाइज आपको पहचानना था, देख लो जिस सेंटेंस में वाइज सेट हो रहा है वो आपका एडजेक्टिव होगा। ही हैज वाइज, वो बुद्धिमानी रखता है, ऐसा कुछ है, ही इज वाइज, वो बुद्धिमान है, दैट इज राइट, मतलब ही इज जिसमें रखने से आपका सेंटेंस सेट हो रहा है वो मोस्टली आपका एडजेक्टिव होता है। अब जैसे कि मैं कोई मीनिंग ले लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ, ही हैज इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, ही इज इन्फॉर्मेशन होगा, सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है ना भाई मेरे, तो ही हैज इन्फॉर्मेशन, उसके पास इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इन्फॉर्मेशन जो वर्ड हुआ वो आपका क्या हुआ, नाउन हुआ, समझे। और ये वाइज हो गया, क्लेवर हो गया, ये सारे सारे यहाँ पे आ जाएंगे। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फ्रॉम वेरियस सुगर्स, फ्रॉम देखो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होने से रहा, इनफ से होने से रहा, तो पी और आर से कोई सेंटेंस है, पी हमने हटा दिया, आर हमने हटा दिया,
और यस ऑफ क्यू में कोई एक होगा। देखो यस वाला हमने ऐसे ही हटा दिया क्योंकि मैंने सबसे पहले रूल आपको एक बताया कि आर है, एंड है, सो है, इनसे कभी से स्टार्ट होता नहीं है क्योंकि इनसे पहले कोई ना कोई घटना घटित हुई होती है, तो हमने यस वाला भी हटा दिया। ऑप्शन क्यू से ही स्टार्ट होगा और क्यू से केवल एक ही है, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कोई ऐसी मीनिंग जो आपको बताने लायक हो तो मैं बता देता हूँ। एनर्जी आप सभी जानते हो ऊर्जा होता है, सस्टेन लाइक मेंटेन होता है, ठीक है, वेरियस मतलब डिफरेंट होता है, शुगर तो जानते हो, शक्कर बिल्कुल, और ऐसा कुछ था नहीं। आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फोर नंबर पे ऑफ ग्रेट ट्रबल। देखो ऑफ ग्रेट ट्रबल मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ परेशानी हुई है, चार नंबर पे इससे पहले कुछ ना कुछ परेशानी हुई है, मतलब पी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। कोई ऑप्शन है पी वाला, ए नंबर कट हो गया। दिस इज अ टाइम हो सकता है, एज वन वायरस थ्री टेन, थ्री टेन मतलब होता है डराना धमकाना, एज वन वायरस थ्री टेन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई सेंस बन नहीं रहा है। ठीक, तो यस वाला भी खत्म, पी खत्म, एस खत्म, दो। अब या तो आर या तो क्यू, सेट करके देख लेते हैं यहाँ पे, क्यू वाला देख लेते हैं। दिस इज अ टाइम, यह एक समय है, ठीक है, क्यू वाला। उसके बाद दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल, दिस इज अ टाइम ऑफ अ ग्रेट ट्रबल, ठीक है, ये एक जो समय है मतलब ग्रेट ट्रबल मतलब होता है परेशानी का। दिस इज अ टाइम ऑफ अ ग्रेट ट्रबल, एज वन वायरस थ्रेटन द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम। सेम अच्छा सेंटेंस बन गया, कुछ करना ही नहीं था। अब यहाँ पे क्यू वाला लास्ट में लेके जा रहा है, अब सेंस बनेगा करके देख लो, कुछ भी नहीं बनेगा, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया। चले आएंगे भाई, चलो, और ऐसे ही आपके पेपर में आएंगे, इससे हार्ड का नहीं आएगा, हार्ड का आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने से, इससे मतलब हार्ड नहीं आने से रहा। चलो आगे बढ़ता, अब आपने देखा पांच नंबर पे पी ऑप्शन हटाओ, पी है कोई ऑप्शन नहीं था, चलो कोई बात नहीं, एंड वाला ऑप्शन हटाओ, पी हमने हटा दिया, एंड आर से हटा दिया, और यस भी हम हटा देंगे क्योंकि दैट हरप्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स, उस हरप्पन सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, मतलब कि कुछ इससे पहले कुछ ना कुछ घटना जरूर घटित हुई है। हाँ भाई मैंने सॉरी पानी पीने चला गया था तो आपको नहीं पता लगा, मैंने बता दिया, पी फाइव का पी हो गया यहाँ पे बंद, रूल ख़त्म, और हमने यहाँ पे आर भी कट कर दिया है और हमने यहाँ पे यस भी कट गया, मतलब क्यू से स्टार्ट होगा, दो ऑप्शन तो यस वाले ख़त्म, बी वाला दो यस से क्यू से हो रहे हैं। चलो स्टार सेट कर लेते हैं। सम आर्कोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट मतलब पूरा तत्व आप सभी जानते हो, गेम इनका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, ठीक है, जीके का क्वेश्चन, क्यू नंबर। सम आर्कोलॉजिस्ट, ये प्लूरल है सर, प्लूरल है, और प्लूरल के बाद आपका जस्ट वर्ब आएगा, तो क्यू के बाद पी खत्म, सी नंबर राइट हो गया। अच्छा बताओ क्यू के बाद यस कोई भी लगाने का अगर विचार कर रहा हो, ये क्योंकि क्यू के बाद यस है, सम आर्कोलॉजिस्ट जो सम आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, ठीक है, उनके बारे में दैट, सम आर्कोलॉजिस्ट दैट मतलब कुछ बन रहा है, कुछ बताइए घटना की, बस ऐसे अपने मन से कहानी, ऐसा कुछ सेंस आना है, सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिक्स नंबर, इन द सेम लोकेलिटी, गलत हो गया भाई मेरे, कुछ तो यहाँ बोलेगा, इन द सेम लोकेलिटी मतलब उसी मोहल्ले में, बट उससे पहले कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है, आगे चलो यहाँ पे, और मैंने बताया और से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो पी आई एस कोई है क्या, दोनों नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, हमारा क्यू या आर में से कोई एक स्टार्ट होगा। एंडोगैमी एक मैरिज का टाइप होता है, एंडोगैमी एक मैरिज का टाइप होता है, एंडोगैमी रिफर्स टू मैरिज विथ इन अ यूनिट, छः नंबर, ठीक है, एंडोगैमी एक मैरिज है जो रिफर्स करती है, रिफर्स टू मैरिज विथ इन अ यूनिट, आर के बाद क्यू बन रहा है। देखो एंडोगैमी रिफर्स टू इन द सेम लोकेलिटी, सर दोनों प्रीपोजिशन का एक साथ आप यूज नहीं कर सकते हो, तो आर के बाद पी, हमने दो तो हटा दिए थे और आर के बाद पी खैर था नहीं, आर के बाद क्यू देख लेते हैं, तो एंडोगैमी रिफर्स टू आर के बाद क्यू बन रहा है, आर के बाद यस, तो एंडोगैमी रिफर टू और अ ग्रुप लिविंग, रिफर टू लगा दिया जस्ट, उसका कंजक्शन जोड़ दिया, कुछ सेंसेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। देख लो एक बार सेंटेंस, एंडोगैमी रिफर, जैसे आपने पढ़ा होगा ना मिसोगैमी, ये एक वर्ड होता है गैमी, ठीक है, मतलब रूट वर्ड अगर आपने पढ़े वोकैब्स में तो उसी से रिलेटेड होता है, वोकैब्स, वोकैब्स बहुत अच्छा टॉपिक है आपको रैंक लाने के लिए। तो ये हो गया ना ऑप्शन नंबर डी, नेक्स्ट, ठीक है, देखो क्वेश्चन आपने देखा जस्ट, सर आर नंबर नहीं हो सकता, हमने देखा तुरंत हटा दे क्योंकि वो अब से स्टार्ट हो रहा है, आर खैर कोई ऑप्शन में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फॉर लॉन्ग एंड, फॉर लॉन्ग एंड ये प्रीपोजिशन से भी स्टार्ट होने से रहा, तो आप पी वाला भी हटा दोगे, तो पी से भी कोई स्टार्ट नहीं है, ओके, मतलब अब देखो यहाँ पे द बैक बोन ऑफ इंडिया, अब एक बात बताओ मुझे, एक बात मुझे पहले बताओ, एग्रीकल्चर बैक, एग्रीकल्चर पहले आएगा कि बैकबोन आएगा बताओ। अच्छा ऐसे हमेशा सुना होगा आपने सेंटेंस कि एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडिया, जो कृषि है, जीडीपी है, ठीक है, अपनी जो लाइक पंचवर्षीय योजनाएं आई 1951 पे,
ठीक है, जिसके पहले जो हेड थे वो लाइक हेरोडोटस मॉडल पे आधारित थी, जवाहरलाल नेहरू उस समय अपने प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें कृषि पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, तो और हरित क्रांति भी कब आई पूछ लिया जाता है, तो 1966 में आई थी। उसका जो वो थे मतलब जनक, भारत में अगर बोलूँ तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वो एम स्वामीनाथन थे। वैसे अगर वर्ल्ड लेवल पे बोलूँ तो वो थे कौन, नॉर्मन बोरलॉग, दुग्ध क्रांति के वर्गीज कुरियन। ऐसे तो कृषि का मतलब पहले इम्पोर्टेंट कुछ रोल था, और एग्रीकल्चर में लगभग 20% जीडीपी में खैर उतना ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ किसी दूसरे दोस्तों से मांगना नहीं पड़ता है, अपन लोग लाइक समर्थ है। तो एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया, आपने ऐसा कुछ सुना होगा पहले, मतलब एग्रीकल्चर पहले आएगा, तो यस के बाद ही क्यों आएगा, यस के बाद ही क्यों आएगा, तो ये देखो यस के बाद क्यों है क्या यहाँ पे, नहीं है, सी नंबर खत्म। एस के बाद क्यों नहीं है, ये भी खत्म। एस के बाद क्यों, इन दोनों ऑप्शन में चलो देख लेते हैं। एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया, वन नंबर। हमने पीछे 7-8 क्वेश्चन किए, फिर से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करा, सीडीएस 2022 के क्वेश्चन, 2020 के क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर यहां पे बताओ, एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया, क्योंकि एस के बाद अगर आप पी करेंगे, एग्रीकल्चर हैज बीन फॉर लॉन्ग एंड, क्वेश्चन से बनना है, मतलब कि वर्ब लगाए उसके जस्ट प्रीपोजिशन लगा दिया। आपने कभी कोई ऐसा सेंटेंस किया है कि वर्ब लगाए फिर तुरंत प्रीपोजिशन लगा दिया, नहीं सर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि एग्रीकल्चर है जो हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया फॉर लॉन्ग एंड विल कंटिन्यू टू बी द सेम, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आप, द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक एजेंडा इन एनी कंट्री पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इज जनरली ड्रिवन बाई, देखा आपने इसका आंसर, आप सभी को मुझे कॉमेंट करना है, सीडीएस 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा रूल आप अप्लाई करिए, एजेंडा इन एनी कंट्री पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इज जनरली ड्रिवन बाई। अब एक आपने एस नंबर तो हटा ही दिया, खैर एस तो है ही नहीं, द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक, टू नंबर क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, टू नंबर पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि पहले पॉलिसी बनेगी तभी तो एक एजेंडा टाइप में बनेगा। ठीक है, तो आर से आपका सेंटेंस पक्का स्टार्ट होगा, तो ये तो खत्म हो गया, बी वाला भी खत्म। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा जरूर बताइएगा, एक हिंट आपको मैंने दे दिया। चलो फिर से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या है, बिफोर इट स्टार्ट, कुछ मतलब कुछ इसके स्टार्ट होने से पहले, मतलब सर कुछ ना कुछ पहले घटना घटित हो चुकी है, तो पी वाला नहीं होगा, है कोई ऑप्शन पी, नहीं है, चलो हटा देते हैं पी वैसे भी। ऑफ द गवर्नमेंट इज क्यू, क्यू से कोई होने से रहा, क्यू से कोई होने से रहा, नहीं होने से रहा, क्यू है कोई ऑप्शन डी खत्म। द एसेंशियल पावर, द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, यस नंबर, तीन नंबर पे द पावर टू कॉन्फ्लिक्ट मैनेज। अब देखो पहले जो एसेंशियल पावर है ना, ठीक है, ये जरूरी है और उसके बाद ही उसे हम मैनेज करेंगे, एसेंशियल पावर को ही तो मैनेज करेंगे आर के बाद, जो आर है एसेंशियल पावर के बाद इस चीज को मैनेज करेंगे। ठीक है, वैसे पावर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है पावर टू, तो द एसेंशियल पावर आर से स्टार्ट होगा अपना, तो ये दोनों तो खत्म है, अब इन दोनों को हम सेट कर लेते हैं, तो द एसेंशियल पावर उसके बाद द पावर टू मैनेज कंफ्लिक्ट, द एसेंशियल जो जरूरत है जिस पावर की, एसेंशियल मतलब होता है नेसेसरी टाइप में, ठीक है, द एसेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज, ठीक है, आर के बाद क्यू है क्या, ये वाला कुछ ज्यादा बेहतर बन रहा है, आर के बाद क्यू थर्ड नंबर, ठीक है, तो द एसेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट बिफोर इट स्टार्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो एक रूल आउट बता देता हूँ, कभी भी किसी सेंटेंस के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा फाइनली, इन द एंड ऑफ, ठीक, और एक वर्ड और होता है कोई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे अगर वर्ड देखने को मिल जाए ना, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा होता है द पावर की जगह पे फाइनली, तो ये एस बिल्कुल लास्ट में आएगा, तो आपने देखा कि फाइनली है और यस है तो आपने तुरंत लगा दिया। एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन एक बार के सीएचएसएल का मैंने देखा था, तो वहाँ पे बिल्कुल सारे के सारे यही क्वेश्चन थे, देखा आंसर बिल्कुल फाइनली इन द एंड ऑफ, मतलब वो जानबूझ के आई थिंक डिजाइन किया गया था, चाहे जो भी रीजन हो, सारे के सारे क्वेश्चन यही थे, ये 2-4-5 जो वर्ड होते हैं उनसे। चलो आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट की ओर, इसका आंसर हो गया ना, ठीक है, नेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सर आर से नहीं होने से रहा, ठीक, मस्ट टेक कंट्रोल, मस्ट एक वर्ब हो रही है, कंट्रोल लेना चाहिए, बट कुछ ना कुछ जरूर उससे पहले हुआ होगा, तो आर यस नहीं होगा। अब क्यू पी से स्टार्ट होगा, इन दोनों में से एक ना एक सेंटेंस, अ मेजोरिटी ऑफ द वोट
अब देखो, अ पार्टी दैट रिसीव्ड अ मेजोरिटी ऑफ द वोट, जो पार्टी है ना भाई, पहले वोट की बात नहीं होगी, पहले पार्टी की बात होगी, उसके बाद वोट की बात होगी, मतलब क्यू के बाद ही पी आएगा। तो क्यू के बाद पी आएगा तो इसमें तो होने से रहा क्यू के बाद पी, इसमें जरूर क्यू के बाद पी है। पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं सेंटेंस बन रहा है कि ना। द पार्टी दैट रिसीव्ड अ मेजोरिटी ऑफ द वोट मस्ट टेक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही सेंटेंस है ऑप्शन फोर का ए। जैसे बोला बिल्कुल वैसे ही आपको मैंने बता दिया, इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सेम टू सेम डिट्टो। नेक्स्ट, कैन एक्सप्रेस अ व्यू, पी से नहीं होगा स्टार्ट, पी से कोई ऑप्शन है हटा दिया, डी नंबर नहीं होगा भाई। 100% आपके पास एक डाटा होता है, डेटा होता है, आपने यहाँ पे 25% तो देखते ही हटा दिया। अब इन विच द एलिबरेट सॉरी इलेक्टोरेट, तो इन विच द इलेक्टोरेट, इन विच मतलब कि किसी न किसी चीज़ के बारे में पहले से बात हो रही है, इन विच मतलब जिसमें कुछ ऐसा, ये भी नहीं होगा क्यू वाला, तो हमने क्यू वाला भी हटा दिया। लो भाई 75 से हम कितना आ गए, 50 आ गए, फिर से हमने 25 हटा दिया। अब आ जाओ, रेफरेंडम इज अ वोट अ पार्टिकुलर इशू, ठीक है। अब देखो वैसे तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, आ जाना चाहिए, रेफरेंडम इज अ वोट, एक रेफरेंडम एक जो वोट होता है, इससे पहले कुछ ना कुछ जरूर बात हुई है, तो यस वाला है क्या, खत्म। अब बी नंबर बिल्कुल राइट हो गया। सेंटेंस भी देख लेते हैं, अ पार्टिकुलर इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी कैन एक्सप्रेस अ व्यू ऑन, ठीक है, आर के बाद पी कैन एक्सप्रेस और उसके बाद क्यू, इन विच द इलेक्टोरेट अ रेफरेंडम इज अ वोट। तो ये आपका पांच का राइट आंसर जो हो जाएगा ए। बी बी नहीं बन रहा है यहाँ पे भाई, सेंटेंस नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे बी, ये दोनों तो हमने हटा दिए, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो देख लेते हैं फिर से ए नंबर देखते हैं। आ रिफरेंडम इज अ वोट, एक रिफरेंडम है जो एक वोट है, इन विच द इलेक्ट्रेट, ये सही बन रहा है, ठीक है, इन विच द इलेक्ट्रेट एस क्यू उसके बाद कैन एक्सप्रेस अ व्यू ऑन अ पार्टिकुलर इशू ऑफ अ पब्लिक पॉलिसी, ये बिल्कुल सही सेंटेंस था, सॉरी इसके लिए। हाँ मैंने मतलब वो ऐसी जल्दी जल्दी में हो गया, अदरवाइज ये थोड़ी होगा, ऐसे कोई सेंटेंस ही नहीं बनना था, ये लास्ट में आना था, जो चीज़ हमारी पहले आनी चाहिए वो हमने लास्ट पे सेट कर दी तो बन नहीं जाता, इससे हमने फिर से पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दो तो हमने वैसे भी हटा दिए थे, इन दोनों में से अब इसको हमने देखा थोड़ा सा गलत लगा तो हमने ये वाला चेक कर लिया, ये वाला अपना राइट था, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, इन मॉडर्न सोसाइटीज सिक्स नंबर पे। अब कुछ ना कुछ पहले जरूर हुआ हो इन मॉडर्न, क्योंकि उससे पहले कुछ ना कुछ बात हुई है, पी वाला आटा हो, कोई ऑप्शन है पी, खत्म। 75% केवल राइट करना है अपने को, 25% तो राइट होता ही है, अब 50% और हटाना, और मैंने सबसे पहले बताया था और वाला हटा दो, खत्म। तो क्यू वाला भी खत्म हो गया, आर, अब आर से स्टार्ट होगा, बिल्कुल बात कन्फर्म हो गई है, क्योंकि दो ऑप्शन हैज क्लास कन्फ्लिक्ट, अभी ऊपर वाला हटा ही देता हूँ ना, क्योंकि वो तो हैज क्लास कन्फ्लिक्ट, आर के बाद देखो यहाँ पे दो तो खत्म हो गए, आर के बाद पी आएगा कि ऐसा आएगा, ठीक है, हैज क्लास कन्फ्लिक्ट सिक्स नंबर, उसके बाद हैज क्लास कन्फ्लिक्ट इन मॉडर्न सोसाइटीज बीन रिजॉल्व्ड और मियरली सरप्रेस्ड, ये सही हो गया। आगे और देख लेते हैं, हैज क्लास कन्फ्लिक्ट बीन रिजॉल्व्ड उसके बाद पी इन मॉडर्न सोसाइटीज और मेयरली सर्वेस्ट, ये नहीं बन रहा है, ऑप्शन सिक्स का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से अपने को करने होते हैं, और इनमें बिल्कुल सरल सरल से हैं, जैसे ये वाला है मान लो, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है, ही ऑलमोस्ट ऑर्डर प्लान द इंटायर स्ट्रेटजी ऑफ ऑपरेशन सिंगल हैंडेड। अब ही ऑलमोस्ट, देखो ऑलमोस्ट क्या होता है, लगभग, तो लगभग से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा, लगभग, हाँ सीधा ऐसे कुछ बन रहा है, क्यों वाला नहीं होगा, हटाओ क्यों वाला है कोई, लो हमने हटा दिया क्यों वाला। उसके बाद प्लान द इंटायर स्ट्रेटजी ऑफ, प्लान किया इंटायर स्ट्रेटजी, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, सिंगल हैंडेड और प्लान, ठीक है, ऑपरेशन सिंगल हैंडेड, पहले कुछ ना कुछ जो वन मतलब है यहाँ पे, जो वन नंबर है यहाँ पे, ये आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है कि पहले प्लान किया होगा, उसके बाद ये सिंगल हैंडेड उसने कुछ वो चीज़ को अटेम्प्ट किया होगा, मतलब आर के बाद यस आएगा वन नंबर पे, आर के बाद यस आएगा, हमने कौन सा ऑप्शन हटाया था, क्यू वाला आई थिंक हटा दिया था, ठीक, और आर के बाद यस आएगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक। एक चीज़ देखो, ये वाला हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऑपरेशन सिंगल हैंडेड प्लान द एंटायर स्ट्रेटजी ही ऑलमोस्ट, मतलब कुछ भी हटाओ, ये वाला देखो, ही प्लान द एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ, सॉरी, ही उसके बाद आर, ही के बाद आर प्लान द एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ ऑलमोस्ट ऑपरेशन सिंगल हैंडेड, मतलब सब कुछ अकेले ही प्लान कर डाला था, वन का बी बिल्कुल राइट हो गया।
इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना होता है। दो चार पांच क्वेश्चन और भी हैं, इनमें से कुछ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आप कोई भी गलतियाँ करोगे। ठीक है, सिंपल से आपको वही स्ट्रेटजी अपनानी है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अगर कोई भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। एयरफोर्स एग्जाम में दो चार पाँच यहाँ पे मैंने और ऐड कर दिया जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ। बाकी जो चीज़ें समझ में ना आए जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगा, तो वहाँ पे नहीं हो तो जुड़ जाइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आई थिंक आपको इससे कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। और एक आपका एग्जाम से पहले मैंने कहा कि करा देता हूँ, क्योंकि पेपर एग्जाम में जरूरी आती हैं चीज़ें, तो आप गलतियाँ नहीं करोगे। जय हिंद।